नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। मैं निवेदिता चलती हूं आज की बड़ी खबर की ओर। सुहागरात में दिखे पत्नी के पेट पर टांके, आरटीआई लगाई तो पता चला शादी से पहले कराया था गर्भपात। आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार के जरिए एक महिला के लव अफेयर यानी प्रेम संबंधों की पोल खुलने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यही नहीं, आरटीआई का सहारा लेकर एक पति ने यह भी पता लगा लिया कि पत्नी ने शादी के पहले गर्भपात भी कराया था। एक युवक का 2 साल पहले रिश्ता तय हुआ था। सगाई के बाद से ही उसकी मंगेतर से कॉल पर बातें होने लगी। देखते देखते वह होने वाली पत्नी के प्यार में डूब गया। फिर धूमधाम से दोनों की शादी भी हुई। सुहागरात का वक्त आया, तभी अचानक दूल्हे को दुल्हन के पेट पर टांके दिखे। कुछ संदेह हुआ मगर पति बोला कुछ नहीं। परंपरा अनुसार विवाह के चंद दिनों बाद पत्नी मायके चली गई, लेकिन कई दिन बीतने पर भी शक के चलते पति उसे लेने ही नहीं गया। बस यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया। और उधर पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया। फिर पति ने शुरू की तहकीकात। यह कहानी है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक शख्स की। उसकी शादी पड़ोसी जिले अशोकनगर की रहने वाली युवती से हुई। दहेज प्रताड़ना का केस लगने और पत्नी के पेट पर टांके दिखने के बाद पति ने पत्नी की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। पति का यह भी आरोप है कि शादी के 1-2 दिन बाद ही पत्नी दूसरे शख्स से मोबाइल पर बात करने लगी थी। इससे पहले उसके पेट पर टांके भी दिखे थे। शक गहराया तो नजदीकी नाते रिश्तेदारों से बातचीत की गई। तब पता चला कि रिश्ता तय होने से पहले उसकी पत्नी एक स्कूल में पढ़ाने जाती थी और वहीं एक टीचर के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच छानबीन में जुटे पति को पता चला कि पत्नी का शादी से पहले अशोकनगर के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज भी चला था। इसके लिए पति ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई का सहारा लिया। आरटीआई से जो जानकारी मिली उसे देखकर वह सन्न रह गया। आरटीआई से पता चला कि शादी से महज 3 माह पहले पत्नी गर्भवती थी, मतलब युवती ने गर्भपात भी करवाया था। चौंकाने वाली बात यह है कि एक मेडिकल रिपोर्ट में शादी से पहले ही पति का नाम भी लिखवा दिया गया था। अब आरटीआई से मिली इसी जानकारी को पति ने अपने वकील के जरिए अदालत में पेश किया है। साथ ही पत्नी और उसके परिजनों को भ्रूण हत्या का आरोपी बताया है। यही नहीं, युवक का आरोप है कि ससुरालजन कई दफा उसके साथ मारपीट कर चुके हैं। पति ने इस मामले में जल्द ही न्याय की गुहार लगाई है। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 10 जून 2019 को। लड़की कब प्रेग्नेंट हुई थी? जी, वो फरवरी के महीने में। किससे प्रेग्नेंट हुई थी, कोई जानकारी है? हाँ सर, वो प्रेग्नेंट हुई थी, उसके सगे वो संबंधित थी, किसी से रिलेशन में थी वो सर। उसको उसका नाम लिखा हुआ सर, राजीव कुशवाहा। तो आपको कैसे शक हुआ कि लड़की कुछ गड़बड़ है? जी सर, वो शादी के आने के बाद वो बात करती थी सर फोन पे। जी, तो आपने कोई पेट में ऑपरेशन देखा? हाँ, वो बात करती थी, फिर उसके बाद पेट में ऑपरेशन देखा मैंने, तो मैंने उसको अपने मैंने भगा दिया। मैं नहीं रखूंगा तो उस पर। आपने ये पूरी जानकारी कैसे निकलवाई? सर, मैंने आयुष्मान नर्सिंग होम से सूचना के अधिकार के तहत। आप देख रहे हैं तत्काल संदेश। नई खबर पाने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।